हेलो दोस्तों, ध्यान रखने योग की बातें। नंबर एक, मधुमक्खी के डंक पर नमक लगाने से दर्द कम होता है। नंबर दो, हल्दी को शहद में मिलाकर टॉन्सल्स के ऊपर लगाने से गले की अंदरूनी सूजन घटती है। नंबर तीन, शहद के साथ गाजर का रस पीने से पीलिया मिटता है। नंबर चार, चुटकी भर शहद दिन में 4 बार चाटने से कफ की समस्या में राहत मिलती है। नंबर पाँच, उबले हुए प्याज में नमक डालकर फोड़े पर कपड़े से बांधकर रखने से फोड़ा पक जाता है। नंबर छः, जामुन के बीज को पानी में घिसकर खील पर लगाने से खील मिट जाते हैं। नंबर सात, छाछ से मुंह धोने पर खील के दाग और चेहरे का काला रंग साफ होने लगता है। नंबर आठ, उबले हुए आलू को बिल्कुल हल्का गर्म रहने पर खुजली की जगह पर बांधने से खुजली मिट जाती है। नंबर नौ, कान में कीड़ा घुस गया हो तो सरसों के तेल की कुछ बूंदे डालने से कीड़ा अपने आप ही मर जाता है। नंबर दस, सफ़ेद प्याज को 2 बूंद रस रोज कान में डालने से बहरापन मिटता है। नंबर ग्यारह, बेर के पेड़ का छिलका चूसने से आवाज़ बैठ गई हो तो खुल जाती है। नंबर 12, गाजर को पीसकर पेस्ट बनाकर किसी भी आटे से मिलाकर फोड़े या जलने वाले घाव पर बांधने से घाव जल्दी से मिट जाता है। नंबर 13, कभी भी शाम को 5 बजे के बाद हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। वही रात का भोजन शाम 7 बजे से पहले करें और रात के भोजन में हल्के भोजन ही खाया करें। नंबर 14, दवाइयां कभी भी ठंडे पानी के साथ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसे सामान्य पानी के साथ अथवा हल्के गर्म पानी के साथ ही लें। नंबर 15, शरीर को आराम देने के लिए सोने का सही समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। शरीर को 8 घंटे की नींद अवश्य दे। नंबर 16, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है और रंग भी साफ होता है और यह एक मॉडराइजर का काम भी करता है। नंबर 17, 1 चम्मच दही में चुटकी भर कॉफ़ी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे का रंग साफ और गोरा होता है। नंबर 18, सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर और आंखों पर पानी के छींटे मारने चाहिए, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 19, कटे हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाए, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 20, रोजाना सुबह खाली पेट उल्टा लटकने से लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर 21, यदि काम करते समय अचानक से सर दर्द होने लगे तो तुरंत ही नमक चाट लें, इससे बहुत आराम मिलता है। नंबर 22, सर्दी के दिनों में अगर बच्चों को पेट दर्द होता है तो बच्चों को पानी में अजवाइन उबालकर पिलाए, पेट दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 23, बालों पर अदरक का रस लगाए, इससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे और ज़्यादा भी नहीं झड़ेंगे। नंबर 24, सरसों के तेल में सूरजमुखी के पत्तों का रस मिलाकर कान में डालने से कान में से मवाद बहना और कान का दर्द बंद हो जाता है। नंबर 25, सुपारी की राख को तिल के तेल से मिलाकर त्वचा पर लगाने से खुजली दूर हो जाती है। नंबर 26, जो लोग रात को देर से सोते हैं उनका शरीर समय से पहले कमज़ोर हो जाता है। नंबर 27, गेंदे की पत्तियों का रस कान में डालने से कान दर्द में आराम मिलता है। नंबर 28, रात को सोते टाइम सरसों का तेल गुनगुना करके कान में 2 बूंद डालने से कान की गंदगी बाहर निकल जाती है। नंबर 29, यदि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। नंबर 30, गुलाब जल और बेकिंग सोडा मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की डेड स्किन निकल जाती है और रंग गोरा हो जाता है। नंबर 31, नींबू का छिलका पीसकर सर में लगाने से माइग्रेन की समस्या ठीक हो जाती है।
इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही यह नियम को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।